गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। इसका थॉट है फ्रीडम कम्स फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रिलायंस, यानी अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता से ही स्वतंत्रता मिलती है। यानी जब आप किसी काम को करने की ठान लो, अपने मन में मजबूत इरादा कर लो, तो देखो वह काम आप आसानी से कर लोगे। इसे बहुत ही अच्छी स्टोरी के थ्रू समझाया गया है। उस ऐसे इंसान की कहानी बताई है जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हो, यानी फेमस पर्सनालिटी है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अ पर्सन हु फेसेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली इज ऑलवेज अ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ ड्राइवन पर्सन। ऐसा इंसान जो कठिन परिस्थितियों का सामना बिल्कुल आत्मनिर्भरता से बिल्कुल बोल्डली कर लेता है, वह एक कॉन्फिडेंट इंसान होता है। द एबिलिटी लॉक्ड इनसाइड एवरी इंडिविजुअल इज एनफ टू टाइड ओवर ऑल डिफिकल्टीज। हर इंसान के अंदर मुसीबतों का सामना करने की ताकत छिपी हुई होती है। ह्यूमन बीइंग्स आर अ कंप्लीट क्रिएचर ऑनिंग बोथ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस विद इन। एक इंसान ही ऐसा होता है जिसके अंदर कमजोरी और ताकत दोनों ही चीज़ें हैं। यानी अगर हम देखेंगे तो कई बार हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और कई बार देखिए तो आप कठिन परिस्थितियों में भी हम मजबूत हो जाते हैं। तो एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसमें ये दोनों ही चीज़ें हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई द पावर ऑफ आवर ओन विल एंड यूज इट टू बिकम ग्रेटर इन लाइफ। हमें यह ज़रूरत है कि हम अपनी इस ताकत को पहचाने और जीवन में हम सफलता प्राप्त करें। स्टोरी टाइम। ऑन फेब्रुअरी 24, 1955 अ बेबी बॉय वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को टू जॉन शिब्बल एंड जॉन जिंदाली। थिंकिंग दे वर नॉट येट रेडी टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड द यंग पेरेंट्स गेव देयर अननेम्ड सन फॉर एडॉप्शन। फरवरी 24, 1955 की बात है कि सैन फ्रांसिस्को में जॉन शिब्बल और जॉन जिंदाली के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। अब उन्होंने क्या सोचा कि वे इस बच्चे की अच्छी तरह से केयर नहीं कर सकते, उसको पाल पोस नहीं सकते, तो उन्होंने इस छोटे से बच्चे को किसी को गोद देने का निश्चय किया। द बॉय वॉज एडॉप्टेड बाय क्लैरा एंड अकाउंटेड एंड पॉल अ US कोस्ट गार्ड वेटरन। अब इस बच्चे को एक अकाउंटेंट थी जिसका नाम था क्लैरा और एक गार्ड थे जिनका नाम था पॉल, यानी क्लैरा और पॉल ने इनको गोद ले लिया। हु लिव्ड इन माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, जो कि कैलिफोर्निया में माउंटेन व्यू में रहते थे। एन एरिया दैट इज टुडे फेमसली नोन एज सिलिकन वैली, जो कि आज सिलिकन वैली के नाम से फेमस है। द बॉय एंड हिज न्यू फादर वर्कड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इन फैमिली गैरेज। पॉल शोड हिज सन हाउ टू टेक अपार्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अ हॉबी दैट इंस्टिल कॉन्फिडेंस टेनेसिटी एंड मैकेनिकल प्रोवेस इन द यंग बॉय। अब इस बच्चे के नए पिता और ये बच्चा दोनों ही अपने फैमिली गैरेज में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया करते थे। पॉल ने अपने बच्चे को सिखाया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, यानी दोबारा बनाया जाए। इससे उसके अंदर ये एक हॉबी हुई और एक कॉन्फिडेंस भी आया। इसने इसे पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी निपुणता के साथ इस काम को सीखा। While the boy was an intelligent and innovative thinker, he found the formal education system of the time boring and frustrating. Given his great performance in studies, his teachers offered him double promotion, but both he and his parents were opposed to the idea. यह लड़का इतना ज़्यादा intelligent था और उस इतनी अच्छी अच्छी सोच रखता था कि उसे लगता था कि जो ये स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो बहुत ही बोरिंग है और फ्रस्ट्रेट करने वाली है। उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसके टीचर ने उन्हें
डबल प्रमोशन यानी एक साल में दो क्लास पास करने की सलाह भी दी थी, बट उसने और उसके पेरेंट्स दोनों ने ही उनके इस आइडिया को मना कर दिया। अ फ्यू ईयर लेटर व्हाइल द बॉय वॉज इन हाई स्कूल ही मेट अ यंग मैन हु वॉज अटेंडिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। गिवन देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड सेल्फ डिराइवल एटीट्यूड दे क्लिक्ड इंस्टेंटली एंड बिकेम गुड फ्रेंड्स। द ड्यो लव्ड एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टडिंग माइक्रोचिप्स एंड डिजाइनिंग कंप्यूटर्स समथिंग दैट वॉज क्वाइट अनयूजुअल बैक देन। कुछ सालों बाद जब लड़का हाई स्कूल में था तो उसकी मुलाकात एक और दूसरे उसी के उम्र के इंसान से हुई जो कि कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उन दोनों के इंटरेस्ट सेम थे, उन दोनों का व्यवहार भी सेम था, इसीलिए वे जल्दी ही बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। दोनों ने ही इलेक्ट्रॉनिक्स में नई नई खोजें करना शुरू किया, माइक्रोचिप्स के बारे में पढ़ाई शुरू की, कंप्यूटर की डिज़ाइनिंग, इस तरह की उन्होंने अपने इंटरेस्ट बना लिए और वो आपस में साथ में पढ़ने लगे। इन 1974 द बॉय नाउ 19 ईयर्स ओल्ड टुक अ जॉब एज अ वीडियो गेम डिज़ाइनर। सेवरल मंथ्स लेटर ही लेफ्ट द कंपनी टू फाइंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड केम टू इंडिया। After returning to the US in 1976, he met his old friend with whom he shared his interest in electronics and set up an electronics company. The duo started in the boy's family garage while the boy sold his vehicle to fund their entrepreneurial venture. His friend parted with his scientific calculator. 1974 में जब वो लड़का 19 साल का हुआ तो उसे वीडियो गेम डिज़ाइनर की एक जॉब मिली। कई महीनों के बाद उसने क्या किया, वो कंपनी छोड़ दी और इंडिया आ गया। कुछ समय बाद 1976 में वह वापस यूएस आया और अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिला और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अपने इंटरेस्ट को उसने बताया और एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को सेटअप करने की उन्होंने प्लानिंग की। दोनों ने ही मिलकर अपने उस लड़के के फैमिली गैरेज में ही इन्होंने काम शुरू किया। बच्चे ने अपनी जो व्हीकल था उसका, वो इस बिजनेस के लिए उसने पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने व्हीकल को भी बेच दिया और उसके फ्रेंड ने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ उसका इसमें साथ दिया। द टू वेंट ऑन टू रिवोल्यूशनाइज द कंप्यूटर इंडस्ट्री बाय मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर, चीपर एंड ईजीली एक्सेबल टू एवरी डे यूजर्स। देयर कंपनीज फर्स्ट प्रोडक्ट अ स्लिक कंप्यूटर बाय द स्टैंडर्ड ऑफ दैट एरा अर्न देयर कंपनी अराउंड $7,74,000। दोनों ने ही कंप्यूटर की इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। उन्होंने कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, आसानी से कैरी करने वाला बना दिया। उनका पहला जो प्रोडक्ट था वो बहुत ही स्लिक कंप्यूटर था। इससे उन्हें 7,74,074 की उस डॉलर की उसकी कमाई हुई। 3 years लेटर द सेकेंड मॉडल ऑफ द कंपनीज कंप्यूटर वॉज अ बिग हिट। इट इंक्रीज द कंपनीज सेल्स बाय 700% टू $139 million। इन 1980 द कंपनीज वैल्यू इंक्रीज टू $1.2 billion। 3 साल बाद ही उस कंपनी ने कंप्यूटर का दूसरा मॉडल लॉन्च किया जो कि बहुत ही सफल रहा। इससे कंपनी की सेल 700% बढ़कर कितनी 139 मिलियन हो गई। और इन 1980 में इसकी वैल्यू बढ़कर 1.2 बिलियन डॉलर हो गई थी। टुडे द कंपनी नोन एज एप्पल इंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड कंप्यूटर स्मार्टफोन कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ नाउ वर्थ मोर देन $700 billion and makes some of the most sought after products like Apple, Macintosh, iPhones, iPads, etc.
आज यह कंपनी एप्पल इंक के नाम से जानी जाती है और मोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंप्यूटर स्मार्टफोन कंपनी के रूप में पूरी दुनिया में आज ये इसको जाना जाता है और इसकी जो वैल्यू है लगभग 700 बिलियन डॉलर है। इस कंपनी ने एप्पल मैकइंटॉश आईफोन आईपैड्स इस तरह के प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। एवरी टाइम पीपल टॉक अबाउट दीज सुपर्ब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दे कैन नॉट फॉरगेट द सेल्फ डिराइवन एंटरप्राइज ऑफ एप्पल इंक्स फाउंडर्स स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनियाक। द बॉय हु हैड सेट द कंपनी अप वॉज नन अदर देन द ग्रेट स्टीव जॉब्स एंड हिज पार्टनर वॉज वॉजनियाक। आज पूरी दुनिया में लोग इस सुपर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। वे नहीं भूल सकते कि किस तरह से इसके फाउंडर्स ने इस प्रोडक्ट को दुनिया में लॉन्च किया है और वो है स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक। वो लड़का जिसने कि इस कंपनी को बनाया और कोई नहीं स्टीव जॉब्स हैं और उनके पार्टनर का नाम है वॉजनियाक। यानी आज आप सब लोग एप्पल आईफोन के बारे में जानते हैं, उनके आईफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इस सब के बारे में आप लोगों को नाम तो सुना हुआ है, कईयों के पास होगा भी। तो इसको बनाने वाले इंसान ने कितनी मेहनत की कि वो एक छोटी सी जगह छोटे से उससे होके अपनी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसने आज ये सफलता प्राप्त की है। तो बच्चों, इस इंसान के जन्म में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज हम अगर अपने मन में ठान लें कि हमें यह काम करना है तो हम उसको जरूर करके उसमें सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए हमारे मन में सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमारे अंदर ये काम करने की इच्छा है और उसको हम पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू।